सैंड बटन। हेलो एवरीवन, आज फिर से एक बार पासबुक के बारे में बात कर लेते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसीलिए हम अगेन एक बार बात करना चाहते हैं पासबुक पे। और पासबुक का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपका लास्ट बैलेंस होता है, जैसे मान लीजिए आप E5 में फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको E4 का बैलेंस लेना है, तो और फिर जो C5 में आपकी लास्ट विड्रॉल होगी वो माइनस होगी और प्लस होगी लास्ट डिपॉजिट। जब भी आप मान लीजिए E11 में फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको E10 लेना है, और E10 माइनस C11 प्लस D11, यानी कुल जमा राशि घटेगी क्या, अंतिम खाता धन निकासी, और जुड़ेगी क्या, अंतिम खाता जमा राशि। ठीक है, तो यानी टोटल जो भी आपका बैलेंस होगा जहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं उससे जस्ट ऊपर का जो बैलेंस होगा, मान लीजिए E21 में फॉर्मूला लगा रहे हैं तो E20 तो इक्वल, ये तो हमेशा लगता ही है, फॉर्मूले के बाद कंट्रोल एंटर होता है, पहले इक्वल होता है, ये तो दुनिया का रूल, मैं आपको हर फॉर्मूले का जो होना चाहिए वो बता चुकी हूँ। तो इक्वल बैलेंस, यानी बैलेंस माइनस लास्ट डिपॉजिट और प्लस जो है आपका, सॉरी, बैलेंस माइनस लास्ट विड्रॉल और प्लस लास्ट डिपॉजिट, क्या, बैलेंस माइनस लास्ट विड्रॉल, याद रखिएगा माइनस क्या होगी, लास्ट विड्रॉल प्लस लास्ट डिपॉजिट, माइनस लास्ट विड्रॉल प्लस लास्ट डिपॉजिट, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मान लीजिए आप E51 में फॉर्मूला लगा रहे हैं तो E50 यानी इक्वल E50 माइनस C51 यानी लास्ट विड्रॉल और प्लस D51, ये आपको याद रखना है। अब फटाफट से देखिए, आजकल एक रिवाज आ गया है कि पासबुक पे फ़ोटो वगैरह भी लगने लगा है, अब फ़ोटो भी लगता है, जब से KYC को लागू किया है तब से लगभग, अभी तक हालांकि KYC का तो उतना भी वो नहीं है, होना ज़रूर चाहिए सबका, लेकिन कुछ लोग हैं कि अभी कुछ बैंक है जिन्होंने भी लापरवाही की, जिन पे जुर्माना भी लगा। KYC का मतलब नो योर कस्टमर। अब इस पासबुक को आप फटाफट प्रिंट निकाल लें तो इसका मतलब ये होगा कि आप पहले इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें, सबको कंट्रोल जितना भी है, जहाँ तक आपने पासबुक हर हमेशा वो तो एंट्री होती रहेगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, पासबुक है ये, है ना, जितनी बार आप जाएंगे उतनी बार एंट्री होती रहेगी, तो कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑल करके ऑल्ट एच एक साथ और W, ऑल्ट एच W करें, या फिर आप होम टैब में जाएं, 15 से 16 बार टैप करें, एक आएगा आपका मिडिल अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, उसके बाद आएगा रैप टेक्स्ट, तो सिलेक्ट आपने कंट्रोल ए से कर रखा है, आप रैप टेक्स्ट पे जाके एंटर करें तो यू डन योर वर्क प्रॉपरली, तो आपके सारे कॉलम सेट हो जाएंगे। अब फटाफट से देखें, आपको अगर प्रिंट चाहिए, प्रिंटर में आपका ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं, एक CD होती है जिसके थ्रू हम ड्राइवर इंस्टॉल करके रखते हैं, सॉफ्टवेयर होता है एक प्रिंटर में, और अगर वो इंस्टॉल है तो उसका केबल कनेक्ट है कंप्यूटर से नहीं, ये सारी चीज़ें चेक कीजिए। अब यहाँ पे आपको करना है, इसको पासबुक को खोलें और कंट्रोल पी करने के बाद आप इसको टैब, कंट्रोल पी करने के बाद आपसे पूछेगा कितनी कॉपी चाहिए, फिर टैब टैब से जाएंगे कि कितनी कॉपी चाहिए, है ना, फिर उसके बाद पूछेगा कैसा पेपर चाहिए, कितने पेज पर चाहिए, टैप टैप से सारे ऑप्शन आते जाएंगे, आप जो आपको चाहिए वो अप डाउन और से सिलेक्ट कर लें, जो नहीं चाहिए वो छोड़ दें और टैप से जाके ओके बटन पर एंटर कर दें, चंद सेकंडों और मिनटों में आपके हाथ में आपका प्रिंट आ जाएगा। फ़ोटो के लिए मैंने आपको बताया था पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, बताया था ना, याद है वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करने का तरीका, तो वैसे ही आप अपना फ़ोटो कॉर्नर पे, किस जिस पेज पे पासबुक बना रहे उसके ऊपर एक कवर पेज लगाएं। कैसे लगाते हैं कवर पेज, आप जाइए ऑल्ट पी करके, वर्ड फाइल में जाइए ऑल्ट पी करके, उसमें आपको कवर पेज का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप नहीं, आप इंसर्ट में जाइए, ऑल्ट एन में, पेज लेआउट में मत जाइएगा, ऑल्ट एन में जाइए, वहाँ कवर पेज का ऑप्शन मिलेगा, कवर पेज लगाइए, उसके ऊपर ब्लैंक पेज का भी मिलेगा आपको एक ऑप्शन, ब्लैंक पेज लगा लीजिए उसमें, और ब्लैंक पेज पे अपना फ़ोटो इंसर्ट कर लीजिए, नहीं तो पासबुक में फ़ोटो इंसर्ट करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। चंद सेकंडों में आपके हाथ में प्रिंट होगा, और आप जितनी बार जाएंगे वो हर बार एंट्री करेंगे अपने कंप्यूटर में, उनकी मौजूद होगी कंप्यूटर में पासबुक, और आपको प्रिंट निकाल निकाल के उस पर एंट्री का प्रिंट निकाल के वो आपको छोड़ा छोड़ा के देते रहेंगे। ठीक है,
तो आई होप कि आपको फार्मूला, पासबुक का तरीका और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। कल की क्लास में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, कल हम अटेंडेंस शीट पर काम करना शुरू करेंगे। तब तक करंट अफेयर कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ें आप सारे लोग, और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर लिसनिंग।